Hello future officers, my name is Rohit Garcha and this is Abhimanyu IAS, a platform which has more than 25 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999. Every serious aspirant knows ki agar aapke current affairs sorted hain, that means you are practically ensuring your selection in any civil service for that matter. Now this video is part 1 of the series जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहां पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स, लेट्स बिगिन. चलिए शुरू करें. सो अभी रिसेंटली ओनम फेस्टिवल निकल के गया है तो वहां पे बहुत सारे ट्रेडिशनल फोक डांसेस वगैरह परफॉर्म होते हैं. लास्ट टाइम भी हमने कुछ फोक डांसेस के बारे में बात करी थी. डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं है. कितने कम है? ठीक है, इसमें कुछ है नहीं है ज्यादा. आप अगर कोई आसपास से कोई एक डॉक्यूमेंट उनको पकड़ा दो. सो इसमें बस आपको नाम याद रखना है कि एक पुलिकली आर्ट है, राइट? इट इज कॉल्ड द टाइगर डांस. ठीक है, बस इसमें इतना ही है मेनली कि कहाँ से बिलोंग करते हैं. पुलिकली डांस फ्रॉम केरला एंड इट्स अ टाइगर डांस. अब ये कैसे आ सकता है पेपर में कि वो मैच द फॉलोइंग में दे देगा और इसको टाइगर डांस की जगह कोई और डांस बोल देगा, राइट? स्नेक डांस या समथिंग, कुछ इस टाइप की चीज़ बोल देगा. पर हम सबको पता है कि स्नेक डांस तो आप शादियों में करते हो, राइट? इसमें जो थर्ड पॉइंट है बच्चे, दैट इज द सेंट्रल थीम रिवॉल्व्स अराउंड द टाइगर हंटिंग. दैट मींस कि इसमें रोल्स ऑफ बोथ द टाइगर एंड द हंटर आर प्ले. ठीक है, बस यही कैच है इसके अंदर और ज्यादा कुछ नहीं. अगर आप कंफ्यूज हो गए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हो गए क्योंकि फोटोज आपको कुछ ऐसी दिखाई देती हैं उसमें. हो गया पूरा? और आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने एक कुछ टाइगर्स के ऊपर लिखना था, राइट? रह गया था वो लायो लास्ट वाला डॉक्यूमेंट. हाँ तो उसमें लिख लो, जो नहीं लाया तो देख लो कैसे करना है. हमने TAL के बारे में लिखा था, तेरई आर्क लैंडस्केप, राइट? तो ये नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे है ये, और 14 प्रोटेक्टेड बायोसिस्टम्स उसके अंदर लाए करते हैं, राइट? सो आपको जो सवाल आएगा वो यही आएगा कि तेरई आर्क लैंडस्केप फॉल्स बिटवीन विच टू कंट्रीज, कुछ इस टाइप का करके सवाल आएगा. ज़्यादा डीप में नहीं आएगा. अगर कुछ आया भी बीच में, जैसे वो 14 जैसे मैंने नंबर मेंशन किया है, तो UPSC उसको चेंज नहीं करेगा मोस्टली, राइट? 14 का वो 16 नहीं कर देगा कि वो स्टेटमेंट गलत होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. या तो कोई ड्रेस्टिकली गलत स्टेटमेंट होगी या यही होगी एग्जैक्टली. सो एक मतलब छोटे से हमारे पॉइंट्स हैं टाइगर एज एन एनिमल, उसको लेके लिख लीजिए. Became the national animal, heading tiger डाल लीजिए नीचे. Became the national animal in 1973. पहले कौन था? Lion. शेर.
schedule one animal, schedule one animal as per Wildlife Protection Act 1972. As per Wildlife Protection Act 1972, इसका शेड्यूल वन का मतलब ये हुआ कि टाइगर को सिर्फ दो ही केसेस में मारा जा सकता है, आइदर वो बहुत बीमार और इंजर्ड है बियॉन्ड रिकवरी, या फिर इट इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। इसके अलावा यू कैन नॉट किल द एनिमल, राइट? लिखना आप लिख सकते हो, कैन बी किल्ड ओनली अंडर टू कंडीशंस, नंबर वन डिजीज्ड और डिसेबल्ड बियॉन्ड रिकवरी, और सेकंड इज थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। सो ये आपके पास मौका है अभी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जितने शेड्यूल्स हैं उसको एक बारी पढ़ लेना। हाँ जी, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था उसके दौरान, इसकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही थी, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर नहीं, ये एंडेंजर्ड हो गया था, ज़्यादा है इसकी, ज़्यादा कम। सी, जब भी आपको किसी चीज़ को एड्रेस करना होता है ना, आप उसका मुद्दा बना देते हो टेक्निकली, जैसे आम चर्चा का मुद्दा हो जाता है वो, तो उसके बाद में उसके ऊपर काम करना आसान हो जाता है किसी भी सरकार के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे कोरोना के टाइम के अंदर मास्क का एग्ज़ाम्पल लें हम, तो अगर बोलते रहते अवेयरनेस के लिए कि मास्क पहनो, तो लोग नहीं पहन रहे थे। द मोमेंट उस पर 1,000 रुपये का चलान हुआ कि आप दिखो आपका 1,000 का चलान करेंगे, वो आप जैसे लोगों की आपस की बात का मुद्दा बन गया कि यार 1,000 का चलान होने लग गया, उठे खड़े हैं, तो उससे हो कुछ नहीं रहा, वो आप खड़े हों ना खड़े हों कोई चक्कर नहीं, लेकिन आपके कॉमन लैंग्वेज का मुद्दा बना दिया उन्होंने, कॉमन कॉन्वर्सेशन का मुद्दा बना दिया। सो व्हेन वी पुट सच थिंग्स, जैसे हमने इसको नेशनल एनिमल घोषित कर दिया, राइट, अब ये कॉमन कंसाइंस का मुद्दा बन गया, है ना, नाउ अथॉरिटीज हैव टू एक्ट। सो ये एक टेक्निक होती है, ट्रिक होती है ये, सेम इज़ द केस विद स्वच्छ भारत अभियान। अब कोई उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा बहुत दूर का मुद्दा है, लेकिन पता सबको है, है ना, पीपल वोंट हेजिटेट आपको टोकने में अगर अगर उनका मन हुआ तो, और आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप कहीं पे कुछ फेंक रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, सो इट गिव्स यू दैट अथॉरिटी, है ना। तो इस टाइप की चीज़ इसलिए होती है। देर आर 54 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, गवर्नड बाय प्रोजेक्ट टाइगर, अंडर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अंडर NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके ऊपर PCS वाले भी सवाल पूछ चुके हैं, NTCA के ऊपर हिमाचल वाले 2 बार पूछ चुके हैं, UPSC 1 बार पूछ चुका है। अंडर NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इंडिया इज होम टू 80% ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड। होम टू 80% ऑफ टाइगर्स। थर्ड पॉइंट कौन सा था इसमें, काउंट करके बता, विच वन, थोड़ा थोड़ा लाउडली बोलो बच्चे। अच्छा, तो थर्ड पॉइंट है बच्चे, दैट इज टाइगर कैन बी किल्ड अंडर टू कंडीशंस, डिजीज्ड और डिसेबल्ड बियॉन्ड रिकवरी, द थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। आई होप एक तक क्लियर हो गया आपको। लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व भी लिख लेते हैं साथ साथ, है ना, ताकि आपका एक साथ ही मुद्दा डन हो जाए। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर, एक ही वर्ड है,
dash Sreesalam, Sreesalam, एक ही है ये, नागार्जुन सागर डैश श्रीसैलम, Sreesalam, टाइगर रिजर्व। कहाँ है ये? दो स्टेट्स में है ये, आंध्र प्रदेश और एक और स्टेट में भी है, मतलब बॉर्डर पे लगता है ये, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखने में भी आसानी होगी, बोर, BOR, बोर टाइगर रिजर्व, है ना, स्मॉलेस्ट है तो बोर तो होगा ही, क्या करोगे जाके। बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है ये? कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र, ठीक है। तो 54 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया गवर्न्ड बाय प्रोजेक्ट टाइगर अंडर NTCA। चले आगे, ये स्कीम हमने पहले भी कवर कर रखी है, अडॉप्ट हेरिटेज, इसका 2.0 सेकेंड वर्जन आया है। उसमें जो बदलाव है वो सिर्फ इतना है कि इन्होंने एक ऐप निकाली है जिससे आप जो हेरिटेज साइट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी विद फोटोग्राफ, और एक पोर्टल निकाला है ताकि अगर आप वहाँ पे फोटोग्राफी, फिल्म शूटिंग ये सब करना चाह रहे हो तो परमिशंस वहाँ पे मिलेंगी, राइट। बाकी सब कुछ सेम है इसमें। तो दीज आर दी क्वेश्चंस जो इसमें 2018 और 2020 में आए थे आपके हेरिटेज और कल्चर को लेके। सो जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो इस तरीके से ट्रांसलेट होते हैं इधर। सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट, डिस्कस। कोई सिर पैर नहीं है इस सवाल का अगर आप ध्यान से देखोगे तो, राइट। वो आपको पूरा पूरा मौका दे रहे हैं हेरिटेज के ऊपर बात करने को कि आपके लिए वो क्या चीज़ है, राइट। सो जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूरल नेटवर्क बढ़ाने के लिए है, राइट। अल्टीमेटली आपको इन सब चीज़ों की तरफ जाना है, ये आपने आंसर्स लिखने हैं, राइट। सेकेंड क्वेश्चन भी पढ़िए आप, इंडियन फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया। थोड़ा सा आर्किटेक्चर की तरफ को जाया जा रहा है, राइट। डिस्कस, अगेन डिस्कस का मतलब वही होता है कि चर्चा करो, है ना। चर्चा कैसे होती है, उसमें दोनों तरफ की बात आती है, और लास्ट में जब भी GD टाइप होती है लास्ट में हमें कंक्लूजन देना होता है जो कि पूरी स्टेटमेंट का कंक्लूजन होगा, आपके आंसर का कंक्लूजन होगा, राइट। और कोई आंसर नहीं है इसका, मतलब आई स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ मॉडल आंसर टिल डेट। जैसे आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसमें देर इज नो मॉडल आंसर, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर आपने कोई एक लड़ी पकड़ के आंसर लिखना शुरू कर दिया और वो सारी लॉजिकल है और आंसर हो रहा है, दूसरे ने कोई मेंशन ही नहीं किया वो पॉइंट्स का, दोनों के वैलिड होते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं इसको। सो हमारा जो AMASR एंशियंट मॉन्यूमेंट्स लिखा हुआ है उस पर, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, इसको हमने डिटेल में कवर किया था वैसे 1958, इसमें 2010 के अंदर थोड़ी सी और बातें भी ऐड हुई थी, और रिसेंटली भी इसके अंदर अमेंडमेंट्स की कुछ बातें हो रही हैं कि थोड़ा सा लीनियंट करो। 2010 के बाद में इस एक्ट के थ्रू बोला है कि 100 मीटर्स के अंडर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, अगर कोई मॉन्यूमेंट डिक्लेयर्ड है तो विद इन 100 मीटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, नो न्यू कंस्ट्रक्शन विल बी देयर, और 100 से 200 मीटर के अंदर अंदर आपको बहुत ज़्यादा परमिशन लेके कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है। तो वो बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा सा रिलैक्स करो, है ना, ताकि हम कुछ डेवलपमेंट कर सकें उस एरिया में, राइट। तो लेटेस्ट मांग इसके अंदर ये चल रही है, देखते हैं इस एक्ट को भी थोड़ा सा। उससे पहले लेटेस्ट ये कि अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम है क्या, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज देखेंगे आप। जो सेकेंड पॉइंट है, एजेंसीज
slash companies would become monument mitras and will be given an opportunity to associate pride with their CSR activities, corporate social responsibility. क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि आप सीएसआर पता सबको, सरकार का काम है सोशलिस्ट बनना, राइट, लोगों का वेलफेयर करना, प्राइवेट सेक्टर का ये काम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर का ड्राइविंग फोर्स क्या है, प्रॉफिट, राइट। सो इन दोनों चीज़ों को अगर आप अलाइन करना चाह रहे हो, एक ऐसी सरकार आपने चुनी है और वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहीं पर हो रही है, तो वहाँ पे हमारा एक CSR क्लॉज है, राइट, कि आप कुछ पैसा आप यहाँ पे लगाओगे किन एक्टिविटीज़ में, जिसकी लिस्ट आपके एक्ट के थ्रू गिवन है। तो CSR हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, लेट्स राइट समथिंग ऑन CSR। कंपनीज का ये फ़ायदा होगा अगर वो हेरिटेज को अडॉप्ट करेंगे, और बाय द वे इसके अंदर करना क्या क्या है ये भी आपको एक्ट के थ्रू डिफाइंड है। उनको अपने मन से कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ आके पैसा लगाना है और सर्विस प्रोवाइड करनी है, दैट्स ऑल। क्या करना है वो भी आपका ASI बताएगा। ASI वो साहब नहीं जिसको आप पैसे देके निकल जाते हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको फुल फॉर्म नहीं पता, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। Whereby companies integrate social and environmental concerns into their integrate social and environmental concerns into their business operations. Forced philanthropy type चीज़ हो गई है ये, है ना, पर ज़रूरी भी है। concentration of wealth तो हमारे उसी में लिखा हुआ है constitution में कि आपने रोकनी है, एक जगह पर concentrate नहीं होनी चाहिए wealth, it should change hands, ये जानी चाहिए इधर से उधर। अभी आगे भी हमारे पास एक टॉपिक है जिसके अंदर वील अंडरस्टैंड की क्या है, और आज का सवाल भी हमारा कुछ इसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR इज गवर्न्ड बाय, मतलब किस एक्ट के थ्रू मैंडेटरी होता है ये, क्लॉज 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कौन से ईयर में आया था, 2013। इतना सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है मुझे ऐसी चीज पे, तुम्हें पता नहीं है। एंड इट इज़ टू अर्ली इन द क्लास दैट आई एंगेज इन जोक्स। जब तुम्हारी शक्लें उतरनी शुरू होंगी तब बंदा कुछ बोले भी तो मज़ा आता है। जो भी एक्ट के अंडर आपके बिल्डिंग्स लिस्टेड हैं दे आर अप फॉर अडॉप्शन, तो कंपनीज अप्लाई करेंगी और ये जो आपको ASI है वो उनको दे देगा, जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी होएगी बिडिंग के हिसाब से। जो हेरिटेज लिस्ट में है, हाँ, सारी हैं, मतलब इनकी लिस्ट अलग है। देर आर सर्टेन प्लेसेस जो कि आपके मोस्टली टूरिस्ट प्लेसेस ही है, वहीं पे आपको रेगुलर इनपुट की जरूरत पड़ती है, राइट।
अब एग्जैक्टली लिस्ट कौन सी है वो मैंने देखी नहीं है कि सारी सारी लिस्ट को क्या क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी है, दैट आई हैव नॉट सीन. मेन मुद्दा इसके अंदर ये है, तो अब सोचो इसके अंदर भी क्यों है, ये हो ही क्यों रहा है, क्यों कर रही है सरकार इसको, टूरिज्म बढ़ाने के लिए, ठीक है, और अपना, मैं यही बस, हाँ जी बताओ, सिक्योरिटी कंसर्न्स, मेंटेनेंस बेसिकली, और गवर्नमेंट इज कैश ट्रैप्ड. गवर्नमेंट के पास में पैसा कम है इन चीजों पे लगाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के पास आप जैसे रिसोर्सेज तो है ना जो ये चीज सोच के बताएंगे, राइट. अब जो कंपनीज हैं उनका फायदा ये है कि वो इसको बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं कि यार ताजमहल ना हमारे अंडर है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई डोंट नो ताजमहल किसके अंडर है, ताजमहल हमारे अंडर है ना, तो उनका कंपनीज का वो फायदा हो गया. इनका फायदा ये हो गया कि इनको अब अच्छी क्वालिटी और मैनेजमेंट मिल गई है. सरकार के पास अब कोई बंदा होएगा पकड़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्लेंट होती है, या फिर आजकल का वो सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई कुछ हो रहा है और वीडियो डल गई है ना और वो वायरल हो गई है, तो किसको पकड़ोगे आप? तो दीज आर दी पर्सन जिसको आप पकड़ सकते हो सीधा सीधा जाके. ये तो आउट ऑफ ट्रैक जाके बता रहा हूँ आपको मैं. एंड इट इज़ इंस्पायर्ड बाय इटली. इटली के पास भी, बाय द वे इटली इज़ द कंट्री जिसके पास में हाईएस्ट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को लिस्ट के तहत, है ना. इट इज़ द कंट्री जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वो है साइट्स. तो 2014 में उनके पास भी कैश खत्म हो गया था, तो 2014 में उन्होंने शुरू किया था ये वाला प्रोजेक्ट अडॉप्ट अ हेरिटेज. तो हमने वहां से इंस्पायर होकर ये प्रोजेक्ट लिए, जस्ट ट्रिविया, राइट. तो उनका क्या, उनके क्या क्लेश मचा हुआ था कि उनके टूरिज्म प्लेसेस ही बंद करनी पड़ी उनको, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं था, तो उन्होंने बैरियर लगा दिए वहां पे, जिसने भी देखना है बाहर से देख लो, हम अंदर मैन पावर नहीं लगा सकते, हम टिकट्स नहीं बेच सकते, बाहर से देख के चले जाओ, राइट. ऐसा कुछ हो रहा था वहां पे. तो 2014 में उन्होंने इस टाइप का कोई प्रोग्राम वहां पे किया, आई एम फॉरगेटिंग द नेम एग्जैक्टली, नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, राइट. एंड डेकेड्स के बाद में उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था एंड इट वॉज सक्सेसफुल. तो आई थिंक ये 2017 लिखा हुआ है कहीं पे ये इसका, हाँ 2017 में हमने शुरू कर दिया था फिर इसको, राइट. एवरीथिंग अंडर AMASR, ये जो एक्ट है अपना, एवरीथिंग जो आपको वो ASI करने को बोलेगा वो आपको करना है. सी अब देखो ये अच्छा पॉइंट उठा है, वाई डू वी नीड डिफरेंट कंपनीज फॉर डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स, वाई आर वी लिस्टिंग ईच एंड एवरी मॉन्यूमेंट डिफरेंटली? थोड़ा और सोचो, एवरी मॉन्यूमेंट हैज अ डिफरेंट नीड. एक में अलग नीड है, एक में अलग नीड है. एक में सिर्फ मैनेजमेंट चाहिए, सब कुछ ऑलरेडी हो रखा है कि आपको सिर्फ टिकटिंग काउंटर, वाटर फैसिलिटी, वॉशरूम फैसिलिटी और ये सब आपको सिर्फ टू एंड फ्रो को मैनेज करना है. एक में ये सब चाहिए, मेंटेनेंस वर्क चाहिए उसके अंदर, राइट. सो दैट्स वाई वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स और उसके हिसाब से सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, राइट. और आप जाके इनको अप्लाई कर सकते हो एज अ कंपनी और CSR के थ्रू आपको बेनिफिट मिलेगा उसका, राइट. CSR में कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, राइट. लेट्स राइट समथिंग. CSR क्या लिखे हमने लास्ट में अभी? हाँ, क्लॉज 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. द एक्ट इज एप्लीकेबल या द प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू द कंपनीज विद तीन कंडीशंस हैं. नंबर वन, बिजनेस नेटवर्थ या फिर सिर्फ नेटवर्थ ऑफ रुपीज ऑफ INR 500 करोड़ और मोर, नेटवर्थ ऑफ रुपीज INR या फिर INR 500 करोड़ और मोर, एनुअल टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. यहां पे बनेगा UPSC का सवाल.
लास्ट इज नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 करोड़ और मोर. ठीक है जी. और बाय द वे इसमें मैंने आपको थोड़ी स्पेस खाली दे रखी है इसके आगे पीछे ना, तो दो चार चीजें और लिख लेते हैं इसमें. द बिजनेस शुड डिवोट, द बिजनेस शुड कितना करना चाहिए सर, में पैसा कितना देना चाहिए बिजनेस को. द बिजनेस शुड डिवोट 2% of their average net earnings over the previous 3 years. बाकी सब तो आपको पता होगा, ये over the previous 3 years ये आपके लिए थोड़ा नया होगा शायद, है ना, उसको अंडरलाइन कर लेना, over the previous 3 years. यहां यूपीएससी डेफिनेटली चेंज करेगा, यहां वो खेलेगा. इसके अंदर कहीं पे ये लिखा है इसकी मिनिस्ट्री वगैरह कौन सी है? इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. ये जो अडॉप्ट हेरिटेज है इसमें बेसिकली 3 एजेंसीज मिलके काम कर रही हैं. एक तो एएसआई है. एएसआई किस उसके अंडर है, मिनिस्ट्री के अंडर? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. एक होगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दूसरी कौन सी होगी, गैस करो. हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. ठीक है, ऊपर ही स्टार्टिंग में लिख लेना कहीं पे कि ये स्कीम किसके अंडर है. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड आपकी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट / यूटी गवर्नमेंट. तीसरा उसको भी पार्टी बनाया हुआ है. और इसमें जो नई चीज, अच्छा बाय द वे एक और पॉइंट भी है इसके अंदर. व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट गवर्नेंस इज, तो मैंने आपको पहले भी बहुत आसान शब्दों में बताया हुआ है, गवर्नेंस वर्ड का मतलब होता है टू स्टीयर. हम लोग मान के चलते हैं, जनता मान के चलती है कि सरकार इज द इंजन. नहीं, इंजन इज द प्राइवेट सेक्टर ओनली. गवर्नमेंट जस्ट हैज टू स्टीयर. उसका काम स्टीयरिंग क्या है, वो डायरेक्शन देगी. सरकार क्यों डायरेक्शन देगी, बिकॉज वो आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है. आप लोकल एमएलए बनाते हो, आप एमपीज बनाते हो, है ना, वो आपने वोट दिए है. अब आपने उनको वोट क्यों दिए, क्योंकि उन्होंने आपके सामने एक एजेंडा रखा था, आपको पसंद आया, मतलब आपकी उसमें रजामंदी है, तो उसके बाद में वो सरकार में गए. एंड गवर्नमेंट इसीलिए गवर्नमेंट विल स्टीयर डेमोक्रेसी के अंदर, दैट्स वाई गवर्नमेंट विल स्टीयर, राइट. सो इस टाइप की चीज़ भी गवर्नेंस के अंदर आती है. एक्ट के थ्रू आपने ये बता दिया कि हमें क्या चाहिए, कैसे करना है, करेगा प्राइवेट सेक्टर ही, आप करो, राइट. और 2% वाली लिमिट भी हमने लगा दी, उनको करना ही करना है. और हमने एक एवेन्यू और दे दिया कि आइदर आप एजुकेशन में कर लो, या रिन्यूएबल्स में कर लो, या एनवायरनमेंट के लिए के प्रोजेक्ट कर लो. अब एक हमने और चीज़ दे दी कि आप कल्चर के अंदर भी कर सकते हो, राइट. चलिए, ये जो आपका 2.0 है, इसके अंदर दो नए, एक ऐप और एक पोर्टल आई है, तो लेट्स राइट अबाउट दैट. नंबर 1, इंडियन हेरिटेज ऐप. Indian Heritage App will showcase हाँ जी हरप्रीत जी, 2% when we talk about 2% of their average net earnings, this means profit. Will showcase the heritage monuments comma इंडियन हेरिटेज ऐप के बारे में लिख रहे हैं हम.
शोकेस द हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, कॉमा विल फीचर स्टेट वाइज डिटेल्स। आपके पास प्रिंट आउट है पीछे लास्ट में तीनों के पास? चार विल फीचर स्टेट वाइज डिटेल्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, विद फोटोग्राफ्स, कॉमा पब्लिक अमेनिटीज, जियो टैग्ड लोकेशंस, एंड फीडबैक मैकेनिज्म। सेकेंड इज ई परमिशन पोर्टल। ये ई परमिशन पोर्टल के ऊपर शायद आपको सवाल ना ही आए क्योंकि बहुत जेनरिक सा नाम है ये, कुछ हटके नाम नहीं रखा इसका, नहीं तो वो आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट वी शुड नो। पोर्टल फॉर ऑब्टेनिंग फोटोग्राफी कॉमा फिल्मिंग obtaining permission for photography comma filming and development projects। ये important है, ये catch है इसमें। ठीक है, on monuments, monuments के आसपास या उसके अंदर, उसकी permissions के लिए है। so क्या करेगा ये, मतलब क्यों ये portal बनाने से फायदा क्या होगा? बॉटलनेक, एक रेड टेपिज्म कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा, एथिक्स के अंदर पढ़ोगे शायद आप, तो वो कम होगा इससे, राइट। एंड जैसे उन्होंने बोला ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी, भागना नहीं पड़ेगा इधर उधर, परमिशन जल्दी मिलेगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब भी आप किसी भी चीज़ को ई गवर्नेंस में लेके आते हो उसका मेन मुद्दा ट्रांसपेरेंसी का ही होता है। उसके बाद में जो एक पब्लिक डीलिंग वाला एम्प्लॉई होता है, जब ई गवर्नेंस में शिफ्ट हो जाता है तो उसके घर पे काजू कतली आनी कम हो जाती है। ठीक है, हाँ हाँ, वो कह रहे बंदी हो जाती है, नहीं तनख्वाह तो है उसकी। ये भी बात ठीक है। हाँ जी बताओ। यार इनका अलग से ही पोर्टल है और आपको ये कल्चर की मिनिस्ट्री के साथ में अटैच्ड मिलेगा। एनीथिंग जो भी इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं वो सारा कल्चर की मिनिस्ट्री से अटैच्ड रहेगा। हाँ ये भी वैसे आपके आंसर्स में मेरे को मिसिंग लगा था, उसमें सटायर्स बहुत कम है। वो बंदा तेज है जो आपका आंसर चेक करने वाला है, आप उसको बेवकूफ समझ के मत आंसर लिखो, वो आपसे उम्र में डबल के आसपास होगा, डबल या 2.5 के आसपास होगा, उसने देख रखी है दुनिया, उसे पता है आप क्या करने वाले हो। एथिक्स के पेपर में भी जब आप बकवास लिखोगे, दुनिया बदलने वाली बातें करोगे, है ना, तो उसको वो भी पता होगा, राइट। सो यू कैन यूज सटायर एवरीथिंग। तो मैं स्टार्टिंग में जो आपको मैं वो बर्ड वाला एग्जाम्पल दे रहा था, इट इंक्लूड्स दैट ऑल्सो, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। फिर देखो, अभी करके देखो, एक जस्ट एक्सपेरिमेंट करके देख लो। You have all the options to go back to your robotic answers, right? But ये करके देखो, कभी एक बारी करके देख लो कि out of the box answer लिखेंगे एक, है ना, और खुद ही आपको मज़ा आ जाएगा। पढ़ाते फिरोगे अपने दोस्तों को आसपास जो नई तैयारी कर रहे हैं ना, कि ये देख ये सवाल है, पहले तू बता, देख फिर मेरा आंसर पढ़, राइट। तो कब तक अपने दिमाग में इंटरव्यूज देते रहोगे? चलिए एक ये AMASR एक्ट के ऊपर भी लिख लें दो चार लाइनें, फिर इसको भी ख़त्म करते हैं यहीं पे, ताकि आपको करना ना पड़े।
ASR Act 1958, राइट पॉइंट्स में लिख लेते हैं. इट वॉज अमेंडेड इन 2010 बचे सटायर का मतलब ना एक बार आप नेट पे सर्च कर लेना जरा. अगर मैं सटायर समझाने पे आया तो मैं मारने लग जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है. आप एक बार ही देखना, आपको मजा आएगा. सटायर को और क्या बोलते हैं? सार्केज्म बोलते हैं. इट्स अ डिफरेंट सेटिंग वे. सार्केज्म तो डायरेक्ट होता है, सटायर आपको बहुत प्यार से लेके जाता है ना. चलिए ठीक है बच्चे, एक तो एक बार देखना आप सर्च करना, और आपके सटायर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, वो भी आप करेक्ट कर लेना. क्या लिखा है हमने? थोड़ा ला, हाँ, अमेंडेड इन 2010 टू स्ट्रेंथन इट्स पेनल्टी प्रोविजंस, टू स्ट्रेंथन इट्स पेनल्टी प्रोविजंस. ये भी आपको डायरेक्टली सवाल आ सकता है कि 2010 में अमेंडमेंट क्या हुई थी. डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, इस टाइप की चीज पूछेंगे. टू स्ट्रेंथन इट्स पेनल्टी या पीनल पेनल्टी प्रोविजंस कॉमा प्रिवेंट एनरोचमेंट्स एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन. अगर कोई हिस्टोरिकल किसी गुरुद्वारे की दीवार है तो उसके सामने आप दीवार से चिपका के गन्ने का जूस नहीं बेच सकते है ना. वहाँ पे आप उसमें होल करके आप अपनी मशीनरी नहीं लगा सकते हो, राइट. तो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं उसके ऊपर. अब मेन फीचर्स इंक्लूड नंबर वन, प्रोहिबिटेड एरिया. प्रोहिबिटेड एरिया 100 मीटर्स अराउंड. नंबर वन, प्रोहिबिटेड एरिया 100 मीटर्स अराउंड एवरी नेशनल मॉन्यूमेंट. वेयर नो कंस्ट्रक्शन. यहां पे कैच है ब्रैकेट में, पब्लिक और प्राइवेट, सरकारी भी नहीं हो सकती. तो अगर आपको वो घुमाएंगे इसके अंदर तो यही घुमाएंगे कि सरकारी हो सकती है प्राइवेट नहीं हो सकती. किसी लैंग्वेज में पुट करके पब्लिक और प्राइवेट इज परमिटेड. नेक्स्ट इज रेगुलेटेड एरिया. टू हंड्रेड मीटर्स बियॉन्ड द प्रोहिबिटेड एरिया रेगुलेटेड एरिया कौन सा? 200 मीटर्स बियॉन्ड द प्रोहिबिटेड एरिया वेयर परमिशन इज रिक्वायर्ड ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी NMA. Of National Monuments Authority. आप लोगों के सिलेक्शन के बाद में वो आप इन्हीं किसी जगह पे जाके फिट होगे. सारे DM वगैरह नहीं बनते हैं, सारे SDM से शुरू नहीं करते हैं. हैंडफुल ऑफ सीट्स आर SDM. इसके अलावा आप डायरेक्टर्स वगैरह बन के इधर उधर ही जाते हो, कल्चर के उसमें चले गए, एजुकेशन में चले गए या वहाँ कहीं चले गए, ऐसे होती है. और इसी एक्ट के थ्रू आप हर एक इंडिविजुअल मॉन्यूमेंट के बायलॉज भी बना सकते हो. तो ये एक्ट काफी पावरफुल हो गया है, राइट, पहले से. चलिए चले आगे. इसके बाद जो हमारे दो टॉपिक्स हैं थोड़े टेक्निकल हैं. आई हैव ट्राइड टू गिव अ गुड स्ट्रक्चर ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, अदरवाइज बात थोड़ी गोलमोली है इसमें और अगले वाले में. अभी RBI जो है वो अर्ज कर रहा है, जो पहला स्टेप होता है अर्ज करना कि आप SROs बना लो. व्हाट आर SROs? दे आर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस.
इफ यू सी ऑन द पेज नंबर टू, लेट अस रीड अबाउट व्हाट आर एसआरओस, कि क्या करेगा एसआरओ, उसके बाद में चलते हैं कि क्यों हम कर रहे हैं ये. इट्स अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट्स एंड एनफोर्सेस रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द एंटिटीज इन इंडस्ट्री, राइट. मोस्टली फिनटेक की बात ही हो रही है ये, जो भी एफआईआईज होंगे. सो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी जो मेन पॉलिसी है वो आपकी आरबीआई के थ्रू आएगी, और आरबीआई के पास में नीचे बहुत सारे वो है एरियाज जिनको उन्होंने मैनेज करना है, राइट. तो व्हाट दे वांट इज कि इन जैसे इन तीन ने कंबाइन करके अपना एक एसआरओ बना लिया, आरबीआई इनसे डील करेगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट, बहुत आसान भाषा में अगर कहे तो, राइट. तो आरबीआई इनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना लो. अगेन सेम मुद्दा कि हर किसी की फंक्शनिंग थोड़ी थोड़ी अलग होती है. आरबीआई सेंट्रली सबको कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट. वो गवर्नेंस का काम करेगा, स्टीयरिंग देगा, राइट. और एसआरओज इंडिविजुअली देख लेगी. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल नबार्ड की जो डेली डीलिंग्स की टेक्निक्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम आईसीआईसीआई, राइट. दे कैन नॉट प्रोवाइड सेम सर्विसेज एंड सेम फिनटेक्स. हाउएवर प्रूडेंट कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे. तो कॉन्सेप्ट आपका वहाँ से निकलेगा, पॉलिसी वहाँ से निकलेगी, इंप्लीमेंट इंडिविजुअली एसआरओ करेगा. सो फर्म्स कैन आइदर कोलैबोरेट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ कॉमन एसआरओ. अगर बड़ी फर्म है, बड़े बैंक्स हैं, तो दे वांट कि वो अपना बना लें, जैसे भी आपको सही लगता है. आरबीआई ने अभी स्टार्टिंग में अर्ज करना शुरू किया है. सो आई थिंक जब तक आप लोगों की सिलेक्शन वगैरह हो जाएगी तब तक ये कंपलसरी हो जाएगा, है ना. तो अभी स्टार्टिंग में तो अर्ज से शुरू होता है, हाथ, है ना, हाथ जोड़ के. पहला बोली दानी फिर पीछे हटी दानी जो पंगा पै जाए, राइट. हाँ, तो पहले ये आराम से रिक्वेस्ट से बात कर रहे हैं. चलिए, बेसिकली ट्रांसलेट करेगा ये आपकी पॉलिसी की टर्मिनोलॉजी को. उसी पॉइंट के अंदर अगर आप आगे देखेंगे, एनफोर्सेस रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स किससे, रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द एंटिटीज इन द इंडस्ट्री विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द कस्टमर, प्रमोटिंग एथिक्स, इक्वालिटी एंड प्रोफेशनलिज्म. ये चार पांच वर्ड्स आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर रहे हैं. सेकंड में उन्होंने बोला है कि सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे. अब आप कर सकते हो ना, आरबीआई नहीं कर सकता सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व, एसआरओज कर सकते हैं. कौन होंगे स्टेक होल्डर्स? कुछ कस्टमर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको एक्चुअली पता होगा प्रॉब्लम चल क्या रही है. सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे, थर्ड पॉइंट नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3, फर्स्ट पॉइंट, इट विल सर्व एज अ टू वे कम्युनिकेशन चैनल. आरबीआई के लिए भी इजी है, एसआरओ को बात करेंगे वो उसके अंदर. जैसे आप भी अगर कहीं पे कोई सर्विस लेने जाते हैं, आपका भी यही मन करता है कि यार मुझे कोई एक बता दो जिससे मैं बात कर सकूं, राइट. कि लेकिन आपको फिर दौड़ा देते हैं बैंक वाले इधर उधर कि अच्छा आपकी ये क्वेरी आप उनसे पूछो, लेकिन जब आगे कुछ फर्दर चीज़ चाहिए तब मेरे पास आ जाना. सो यू हैव टू गो टू सो मेनी प्लेसेस. आरबीआई कैन डू सर्टेन थिंग्स कि उसको इधर उधर ना जाना पड़े. तो एसआरओस, वो एसआरओ को पूछेगा, एसआरओ को अथॉरिटी दे दी, एसआरओ देखेगा क्या करना है, राइट. ब्रेक थ्रू है ये हमारी आगे. अगर आप देख पा रहे हैं इसको, तो ये जो हम करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिनटेक इंप्रूवमेंट, डिजिटल पेमेंट्स, ये वो, तो जिस स्केल पे हम लोग बढ़ रहे हैं उसके लिए एसआरओस इंपॉर्टेंट है. सो दिस विल सेट अप अ ट्रेंड फॉर योर मेंस क्वेश्चन ऑल्सो. अगर मेंस में कोई फिनटेक के ऊपर सवाल आएगा तो वो इसके अराउंड आने वाला है इस साल. चलिए और देखते हैं. अगेन स्टैंडर्ड एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, दैट एस्टेब्लिशिंग मिनिमम बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स एंड आपका हेल्दी मार्केट बिहेवियर एटसेट्रा. ये सब आपके जब आप मेंस में आंसर लिखते हैं तो इस टाइप से लिखना होता है, वो इसलिए पॉइंट मेंशनड है यहाँ पे बच्चे. नेक्स्ट इज इट विज ऑल्सो कंडक्ट ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ. स्टाफ कौन सा? जो आपके बैंक्स वगैरह में होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में होगा. एंड विल कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑल्सो, और साथ में एक ग्रीवियंस रिड्रेसल भी होगा. तो एसआरओस बेसिकली काफी रेगुलेटरी बॉडी का काम कर रहे हैं. अगर आपको दिख रहा है तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के उससे चलने वाला ही है. नाउ इसके बाद में एक और टॉपिक एक्टिवेट होगा जो उससे ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट इज फिनटेक. सो आई एज्यूम कि आपको फिनटेक पता होगा, मतलब बेसिकली इट इज नथिंग बट एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है.
आप अगर बाहर जाके 40 रुपए की पेमेंट कर रहे हो, इट इज़ थ्रू फिनटेक स्कैन कर रहे हो, तो इट्स अ पार्ट ऑफ फिनटेक। आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारा आपका फिनटेक का पार्ट है। जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, फॉरेन पेमेंट्स आनी जानी जितनी, ये सारा फिनटेक का पार्ट है, राइट? सो फिनटेक इज अ टर्म दैट कंबाइंस फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि वो फिनटेक वो वाली टेक्नोलॉजीज ला सकता है जो बैंक्स ने जनरली नहीं लानी थी। अगर बैंक्स के हाथ में होता यूपीआई क्यूआर कोड हर दुकान पे लगाना, बैंक्स नहीं कर सकते। बैंक्स कैन नॉट डू इट। वी नीड सर्टेन कंपनीज जो कि डेडिकेटेडली ये काम करती हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर दी वंस हु कैन ब्रिंग इनोवेशन। दे आर दी वंस हु कैन प्रोवाइड यू वन टैप पेमेंट, राइट? ओटीपी ऑथेंटिकेशन, टू वे ऑथेंटिकेशन, थ्री वे ऑथेंटिकेशन, इस टाइप की ई कॉमर्स को जिस हिसाब से चलता है वो, राइट? एक ही जगह, जैसे हमने किया भी था इसका, है ना, कि इनको पेमेंट एग्रीगेटर्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड पीएस, पी पेमेंट एग्रीगेटर्स, जो कि किसी एंटिटी के बिहाफ पे पेमेंट एग्रीगेट करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर आपका, जैसे अगर आप मान के चलो ये पेटीएम हो गया फॉर एग्जांपल, या फोन पे या गूगल पे टाइप चीज होगी, तो दे एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। कि आप उसमें आप स्कैन अगर कर रहे हो, तो आपके पास दो तीन ऑप्शन है पेमेंट करने के, है ना? आइदर यू डू अ यूपीआई पिन, और आप कार्ड से पहले पैसे ऐड कर दो फिर वहाँ पे भेज दो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सेम ऑप्शन आपको जो बाहर कोई सामान बेच रहा है, चाय बेच रहा है, वो आपको इतने ऑप्शन नहीं दे सकता अगर अपने आप पे आना चाहे। बैंक भी नहीं दे पाएगा एक, राइट? सो वी नीड सर्टेन पेमेंट एग्रीगेटर्स। जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ फिनटेक मैं आपको बता रहा था। क्यों है इंपॉर्टेंट फिनटेक? सोचो। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिनटेक के आने के बाद हुआ ऐसा? फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? सही बात है। मतलब जैसे ही हमारा कैन बी सेड, अगर हमारा डिजिटल नेटवर्क बढ़ा, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए फिनटेक फिर आगे आ गया, है ना? और फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हमारा मुद्दा है ही। और क्या है? वाई फिनटेक, हम बात कर रहे हैं वाई फिनटेक इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। सवाल ये चल रहा है, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर मैंने भी देख लिया कि एक्सेस बढ़ गया लोगों का, ईज ऑफ बैंकिंग हो गई है, राइट? है ना? और कैन वी कॉल इट एक्सेस टू कैपिटल, कुछ इस टाइप की बात बोल रहे हो आप? हाँ, एक्सेस टू कैपिटल। और सोचो। हाँ, कैपिटल का फ्लो बढ़ेगा। वेलोसिटी ऑफ मनी, हाउ फास्ट मनी चेंजेस हैंड्स। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी कैसे? मतलब ब्लैक मनी के एंगल पे जा रहे हो आप लोग। पॉइंट ठीक है, लेकिन डेटा सपोर्ट नहीं करता इसको। पॉइंट बिल्कुल ठीक है, हमारी इंटेंशन थी इसके थ्रू, बट अगेन आई थिंक मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है दैट ब्लैक मनी दो तरीके से आती है, लेजिटिमेट, इललेजिटिमेट। सो डू यू थिंक कि इतना ज़्यादा फर्क पड़ा होगा? पॉइंट वैलिड है, लेकिन ट्रू नहीं है, हुआ नहीं है ऐसा, राइट? मतलब वी हमने सॉर्ट किया था कि ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, राइट? ठीक है, तो अगर आप इसको मेंशन करोगे, तो आप इसी ढंग से मेंशन करना इसको। और बताओ। मतलब कि हमारी पॉलिसीज को प्रूडेंट करने के लिए हो गया, कि हमारी पॉलिसीज परकुलेट कर पाएं बेटर तरीके से, उसके लिए फिनटेक ने काम किया है। सही पॉइंट है। और फिनटेक क्या लेके आया है? सबसे बड़ी चीज़ क्या लाया है वो? हाँ, इनोवेशन। ये कैसे भूल गए? जो अभी तक हो रहा है, अभी भी हमारा पैसा रुपया ही है, अभी भी हम आरबीआई के छापे हुए पैसे को ही खर्च रहे हैं और कुछ नहीं है। ये लाया इनोवेशन। और जो ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट था, आया था यहाँ से, है ना? ट्रांसपेरेंसी वाले पॉइंट में ये है कि आप अब स्मॉल बिजनेसेस को भी लोन मिलता है, पहले कनेक्शंस के बिना मिलता नहीं था, है ना? पेपर वर्क हो रहा है, किसी को पता ही नहीं है अंदर अंदर क्या चल रहा है। नाउ इट इज़ आउट देयर,
कि आपको अगर PSL करनी है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी है ना, तो आपको इतना करना ही है, डाटा भी सारा पोस्ट होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फिनटेक ओनली. आज का क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसके अराउंड ही है, लिख लेते हैं. A strong fintech sector. A strong fintech sector is the only way. Is the only way for a prudent percolation. For a prudent. For a prudent percolation of the fiscal policies. Full stop. Analyze. Fiscal policies. हाँ बच्चे, सही, आपका पॉइंट भी सही है, यही यही हम अभी बात कर रहे थे कि इनोवेशन हो रही है एंड देर इज ईज टू मेक पेमेंट. इनोवेशन पता क्या होती है? ओके, अगर बहुत आसान भाषा में कहें, इनोवेशन आपको सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देता है, सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देता है. फॉर एग्जांपल, इन इंजीनियरिंग वी यूज टू हैव सम केस स्टडीज, है ना, कि आप अपनी प्रोडक्शन को बेटर कैसे कर सकते हो. सीधा अब कंपनी ने आपको हायर किया एज एन इंजीनियर, है ना, आपको सीधा सीधा बताना है कि आप इस पूरे प्रोसेस को और एफिशिएंट कैसे कर सकते हो. और आसान भाषा में कहें तो उस बंदे का प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, राइट. तो हम लोग जाके देखते थे वहाँ पे कि यार इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, राइट. सो अब इनोवेशन में इट कुड बी एज सिंपल एज कि एक बंदा एक टूल है, उसको प्रेशराइज्ड होज बोलते हैं उसको, कि आपको जैसी कोई पार्ट आता है आपको ना उसको एयर से साफ करना है, राइट. तो उसका जो होज था वो पीछे लगा हुआ था, तो पार्ट वहाँ से आ रहा है, वो यहाँ पे लगा रहा है, और उसने होज उठाया और उसको साफ किया, वापस कर दिया. नाउ जितने टाइम वो मुड़ के यहाँ से उठा रहा है, अगर होज उसकी हम यहीं लगा दें इन द राइट हैंड, दिस इज कॉल्ड इनोवेशन. सो इट कुड बी एज सिंपल एज दैट. जैसे एक जापान का केस था कि कुछ देर वर एक असेंबली लाइन है, उसके अंदर से कुछ जो बॉक्सेज हैं, जो छोटे वाले बॉक्सेज हैं, सम प्रोडक्ट, वो खाली जा रहे हैं, राइट. एंड वो बीच बीच में से कुछ खाली जा रहे हैं, यही कंपनी में आगे जाके सप्लाई हो रहे हैं, है ना, और बीच में से वो कुछ उसके है ही नहीं. तो दे इंस्टॉल्ड एक्सरे मशीन, है ना, बट देर वॉज एक इकीगाई कॉन्सेप्ट है, उसके कॉन्सेप्ट की जगह पे उन्होंने वहाँ पे एक फ़ैन लगा दिया. तो जो खाली होंगे वो बॉक्सेस उड़ जाएंगे, राइट. द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सरे मशीन एंड अ फैन, सो दिस इज कॉल्ड इनोवेशन. कि सेम हमारा पॉलिसी सेम रहेगी, हमने काम वही करना है, इसको और बेटर तरीके से कैसे करें. हाँ बिल्कुल, एक्चुअली यही मुद्दा है इसका. आप इनोवेशन करते हो उससे, इनोवेशन का मतलब इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग्स. इनोवेशन नई चीज़ें कम लेके आती है, बट पहले वाली चीज़ों को थोड़ा सा एफिशिएंटली कर देती है, राइट. सो अभी जो फिनटेक की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो आपके दादा पड़दादा तो पेमेंट करते ही थे, ईजी हो गया काम, ईजी हो गया आपका. यहाँ से मोगे तो पहले भी जाते थे, है ना, पर पूछ पाछ जाते थे कि खरड़ पे भी ब्रेक ले लिया, कि आ ही जाता रास्ता, फिर आगे फिर ब्रेक ले लिया. अब आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आप GPS लगाओगे आप जल्दी पहुंच जाओगे, टोल बूथ ऑटोमेट हो गए हैं, टोल तो पहले भी लगता था, है ना. ये सब इनोवेशन होती है. अब इसको करना कैसे है ना, व्हाट थिंग्स आर एनेबलिंग इट. इसमें इनोवेशन कहाँ पे आई है कि RFID टैग लग गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, फास्ट टैग है ना, है ना. तो आपने रेडियो टैग लगा दिया और रीडर लगा दिया वहाँ पे. रेडियो टैग भी पहले मौजूद थे, रीडर भी पहले मौजूद थे, उसको यहाँ यूज़ करा, दिस इज़ कॉल्ड इनोवेशन. ठीक है, क्लियर है, आपके पास पेपर आ गए.
क्वेश्चन समझ में आया? अ स्ट्रॉन्ग फिनटेक सेक्टर इज द ओनली वे फॉर अ प्रूडेंट परकुलेशन ऑफ द फिस्कल पॉलिसीज. फिस्कल पॉलिसी कौन बनाएगा? फिस्कल पॉलिसी आरबीआई ही बनाएगा. परकुलेशन का मतलब क्या होता है हम गूगल पे देखेंगे, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम लिमिट हो जाओगे उसके ऊपर फिर, राइट? वहां जाके पढ़ोगे, दो तीन डेफिनेशन पढ़ोगे, किसी सेंटेंस फॉर्मेशन में देखोगे, तो तुम्हारे लिए वर्ड थोड़ा खुल जाएगा, राइट? दैट इज वाई एम नॉट एक्सप्लेनिंग व्हाट परकुलेशन इज. इसके अलावा आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर. अब आप आई थिंक बैंक्स वगैरह उतना नहीं जाते होंगे जितना पहले जाते थे, तो बैंक्स को इतनी बड़ी बड़ी ब्रांच मेंटेन भी नहीं करनी है ना. कॉस्ट ऑफ रुपी कम हो गई है इस हिसाब से. आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ है, इस तरफ भी जाया करो. मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर नहीं समझ में आ रहा होता ना तो डिवाइड कर दिया करो कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है और इंडिविजुअली सबके लिए क्या मतलब है. एज अ बैंक उनको क्या फायदा हुआ है, सरकार को क्या फायदा हुआ है और तुम्हें क्या फायदा हो रहा है, राइट? इसको डिवाइड कर दोगे तो इमीडिएटली आपको बेटर और ज्यादा पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे. एंड इफ दिस थिंग ऑल्सो फेल्स इन सर्टन क्वेश्चन, स्टेक होल्डर नहीं होंगे, देन गो टू जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, है ना. भूल जाते ना कि कौन कौन से एंगल हो सकते हैं सोचने के, तो आप देखोगे तो आपने सोसाइटी पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, गवर्नेंस पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है ना. तो इसके इन चारों पांचों के अगर आप दिमाग में ले आओगे तो वो भी हो जाएगा. वन ऑफ माई फ्रेंड हु गॉट सेलेक्टेड इन असिस्टेंट कमांडेंट जो एग्जाम होता है, राइट? सो वो उसका तरीका क्या था कि वो जाते ही पेपर पे ना ये सारी चीज़ें लिख लेता था कि कितने एंगल हो सकते हैं किसी चीज़ को सोचने के. भूल जाता है वहाँ पे, है ना, फेमिनिस्ट, फाइनेंशियल पॉलिसी, इस टाइप के सारे उसने पहले कीवर्ड्स लिख लिए पेपर पे. तो जैसे जब भी कोई टॉपिक आया वो एक बार नज़र मार ली कि इसमें ये वाले एंगल्स हैं या नहीं, एंड इमीडिएटली यू कैन राइट मोर अमाउंट ऑफ आंसर्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम. सर्टन ट्रिक्स ये उसके लिए काम करी थी, आप लोग देख लेना अगर आपके काम आए तो. बट अभी तो आप किसी और एंगल पे, अभी आंसर्स लिखते हैं. टेक एक हफ्ता लो, एक आंसर लिखो बस, राइट? आरबीआई के ऊपर कुछ लिख लेते हैं ना. आरबीआई हम पढ़ना थोड़ा सा स्किप कर जाते हैं जनरली, बस प्री पॉइंट जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना आपके पीसीएस यूपीएससी के लिए वो लिख लेते हैं. एस्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1, 1935 आरबीआई, Established on April 1, 1935, in accordance with RBI Act 1934. तो पंजाब और हिमाचल वाले ये ध्यान रखना कि RBI was established in 1935 और जो एक्ट है वो 1934 का है. तो पढ़ लेना, वो एक्ट पूछ रहा है कि RBI पूछ रहा है, राइट? कहाँ है आरबीआई का हेड ऑफिस? हाँ, आई थॉट सो, लगा था मुझे, बिल्कुल सही. विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? हाँ, वहां पे आइए, ठीक है, लिख लो इसको. इट वॉज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कैलकटा. अरे नहीं पता होता, इतना लोड मत लो, तुम लोगों को कैसे पता होगा किस काम का है तुम्हारे. इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कैलकटा बट परमानेंटली मूव्ड टू मुंबई इन 1937. ऐसा थोड़ी तुम लोग तैयारी कर रहे हो, तुम्हें क्यों ही पता होगा. बिफोर नेशनलाइजेशन इन 1949 इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड. बिफोर नेशनलाइजेशन इन 1949 इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड.
हाँ जी एकता, ये आपने सही पॉइंट हाईलाइट किया, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मैंशन इट हेयर अभी, बट अगर आप इसको लेना चाहोगे तो इसको मॉनिटरी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में ही लिखना है इसको, भाग मत जाना दूसरी तरफ, राइट right? इसमें मतलब आई वॉज थिंकिंग तुम में से कोई ज़रूर इसको पकड़ेगा, एक ने पकड़ लिया है, फिस्कल पॉलिसी लिखा है सवाल में, ठीक है, तो उसको दूसरी तरफ मत घुमा देना कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब तो सोशल वो भी है, ये भी होता है, वो भी होता है, उधर को मत जाना, सवाल ने आपको डायरेक्शन दी है, वो मॉनिटरी पॉलिसी की ही बात कर रहा है, वो एमपीसी की ही बात कर रहा है सवाल में, अगेन वही मतलब आई डिड नॉट वॉन्ट टू मैंशन इट बिकॉज इससे थोड़ा सा कुछ हाईलाइट होता कि कौन स्मार्टली लिख रहा है, कौन ओवर स्मार्टली लिख रहा है, राइट, सो देयर इज एंडलेस लर्निंग जो हम कर सकते हैं तो सवाल के अंदर जो है। इसके अलावा इसके अंदर एक एमपीसी होती है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, राइट, पता है उसके बारे में, लिख लें उसके बारे में भी दो चार लाइनें जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, बस डिटेल में तो आप लोग पढ़ोगे इसको, इकोनॉमिक्स में आता है ये आरबीआई, एमपीसी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, ये आरबीआई के अंडर है, अ सिक्स मेंबर कमेटी, विद आरबीआई गवर्नर एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब जो भी गवर्नर होगा वो इसका भी चेयरमैन होगा, एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है, तीन मेंबर्स आरबीआई से होते हैं और तीन मेंबर सरकार भेजती है, क्रिएटेड इन 2016, इसीलिए एमपीसी के ऊपर 2017-18-19-20 में सवाल आए हैं इसके अराउंड, क्योंकि ज्यादा पुराना फिनोमिना नहीं है, अभी भी हम देख ही रहे हैं कि काम कैसे कर रही है। पब्लिकेशंस ऑफ आरबीआई, तीन रिपोर्ट्स देता है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आरबीआई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये याद कर लेना, मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑन, लास्ट वन इज रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू, ये तीन रिपोर्ट्स हैं आरबीआई की। एक तो बच्चे आपका सवाल क्लियर नहीं हो रहा है मुझे, ये आप बोल रहे हो कि फिनटेक ओनली इंक्लूड फाइनेंस रिलेटेड पॉलिसी और अदर्स, क्या मतलब है इस बात का? फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इसके अराउंड जो भी लगेगा कुछ भी वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, प्राइमरीली वो फाइनेंस रिलेटेड होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी है। ठीक है जी, चलें आगे। लेट्स डू दी लास्ट टॉपिक जो पेज नंबर 10 पे है ना, उस वो करते हैं पहले, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल सा हो गया ये है ना, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा, राइट, बट इसकी ना वो नहीं है, अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो इसकी डिबेट चलती रहती है कि इसको किस स्क्रिप्ट में लिखना है, इसलिए हमारे लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो गई है कि क्या लैंग्वेज है, और साथ में त्रिपुरा एज अ स्टेट वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है कि त्रिपुरा में कौन कौन सी मेन रिवर्स हैं, किस किस को बॉर्डर करता है, ये छोटी मोटी चीज़ें और इंपॉर्टेंट हो गई है, राइट,
So first of all, you must be knowing what's the difference between language and a script, right? हमने पहले भी discuss किया था. Script is the symbols in which we write a language, right? For example, जैसे कि if I say, यही देख लेते हैं, how are you कर लेते हैं हम, है ना? तो how are you, ये आपकी Roman script के अंदर English language लिखी हुई है, right? अगर मैं लिखूँ तुम कैसे हो, right? और मैं लिख दूँ उसको TUM space KAI कैसे, तुम कैसे हो, तो I am writing हिंदी लैंग्वेज इन अ रोमन स्क्रिप्ट. सो यू नीड अ स्क्रिप्ट टू राइट अ लैंग्वेज. सो ये जो लैंग्वेज है त्रिपुरा की, इसके पास अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, राइट? सो रोमन स्क्रिप्ट ये यूज़ करते हैं मोस्टली, और बीच में डिबेट आती है कि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो इट शुड बी आइदर हिंदी और बंगाली, है ना? तो ऐसे इसके ऊपर ये डिबेट है, राइट? दोबारा बोलो. ग्रामर वगैरह सब है, लेकिन लिखने का वो नहीं है, थोड़ी प्रिमिटिव लैंग्वेज है. जैसे फॉर एग्जांपल इन इन पंजाबी लैंग्वेज वी हैव गुरमुखी स्क्रिप्ट, लिपि. हाँ, तो आपको लिखने के तरीके, आपके पास अपनी स्क्रिप्ट, अपने सिंबल्स होने चाहिए. नहीं, हाँ लैंग्वेज है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेरियस डायलैक्ट्स एंड वी डोंट. क्या दिख गया क्या पीछे कुछ? हाँ, ये तुम्हारे लिए लाया था मैं, क्या क्लास में आपके पास कुछ तो सीखने को हो, है ना? आज जाके अपने दोस्त को यही पूछ लेना. अभी पता, तुम्हारे चक्कर में लिस्ट काट के आया हूँ मैं. ये इसके ऊपर भी बहुत कुछ था, नीचे भी बहुत कुछ था, वो मेरे को ऐसी आ रही थी, इसको देख देख के भी मैं अपने वाला तो काट दूँ एटलीस्ट. ठीक है, जो नेक्स्ट टाइम मैं किसी से हाल चाल पूछूं जो मेरे को ये बोल के जवाब देगा, उसको मेरी तरफ से चाय बार. ठीक है, चलो. सी, जब भी आपकी लैंग्वेज के ऊपर बात आती है, राइट, तो लोग अब वहां से, क्योंकि आइडेंटिटी डिराइव होती है, मैंने पहले भी बताया था, उसके ऊपर से बात उठेगी तो थोड़ा सा क्लैश होता है सिविलाइजेशंस के बीच में. पहले भी देखा गया, हमने कल्चर के ऊपर अटैक हुआ तो अपने कल्चर को बचाने के लिए आ जाते हैं. राइट नाउ भी ये चल रहा है, राइट? थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं लोग लैंग्वेज के ऊपर जब बात आती है, राइट? बिकॉज अपनी आइडेंटिटी वो लैंग्वेज से डिराइव करनी शुरू कर देते हैं. बट द थिंग इज़ कि हर 200 साल में लैंग्वेज इतनी चेंज हो जाती है कि आप पहले वाली लैंग्वेज पहचान भी नहीं पाते हो. फॉर एग्जाम्पल, द पंजाबी लैंग्वेज ऑफ बुल्ले शाह इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट वी स्पीक. वो चेंज कब हुआ? ये रूल है, हर 200 साल के अंदर लैंग्वेज कंसिडरेबली चेंज हो जाती है कि आप पहचान भी नहीं पाते हो कि यार ये सेम ही लैंग्वेज है. आप उस सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी और बाबा बुल्ले शाह की सेम नहीं है. बुल्ले शाह लिखता है, बुल्ले शाह पता तद लग सी जद चिड़ी फंसी हथ बाजा, उनके कलाम है ऐसे करके, है ना? बट वी डोंट स्पीक लाइक दैट, है ना? ये जस्ट अनदर ट्रिविया साइड लाइन पे कि इस टाइप की चीज़ को लेकर टची कम ही होना है, जिसका पता है चेंज होनी है. All right. यार एग्जैक्ट सेम नहीं है वो, बुल्ले शाह ने बहुत अलग लिखा हुआ है. ऐसे तो बुल्ले शाह ने चार लैंग्वेजेस में लिखा है, बट कॉमन लैंग्वेज का मुद्दा नहीं है वहां पे. एक्सेंट आपको थोड़ा बहुत सेम मिल जाएगा. ये पेशावर वाली साइड बोल रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, सेम नहीं है. वर्ड्स चेंज होते हैं, तरीका चेंज होता है बोलने का. हाँ, पर चेंज हो जाती है. चेंज पे फोकस करो, सेम पे मत करो. अभी बोल के हटो, टच ही नहीं होना, यही मुद्दा है. फिर आप राइट आंसर से भटक जाओगे. इनफैक्ट किसी भी मुद्दे पे टच ही नहीं होना तुम लोगों को. बहुत बहुत खास ध्यान रखना इस चीज़ का. आई थिंक जब लास्ट ईयर हमने फीमेल फीटीसाइड का टॉपिक किया था, इन्फेंटीसाइड का टॉपिक किया था, इसके अलावा खासकर जब आप कार्ल मार्क्स पढ़ते हो, वो तो आपको 3 महीने के लिए गारंटी डिप्रेशन में डालने की तैयारी करके चलता है. कार्ल मार्क्स 3 महीने तक आपको होश ही नहीं आती कि मैं क्या तैयारी क्या ही मैं कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, है ना? सो थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्टिवली लेना है, समझो बस बात को. चलिए, इसके अंदर ये अबाउट लैंग्वेज के अंदर गिवन है, एक बार देखिए जरा पेज नंबर 10, अबाउट.
इट्स एन इंडिजिनस तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि उसी एरिया के अराउंड है ये. स्पोकन प्राइमरीली इन द इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड नेबरिंग एरियाज ऑफ बांग्लादेश. सो इट इज नॉट लिमिटेड टू त्रिपुरा, ठीक है, इसके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कंफ्यूज नहीं होना दैट इट इज लिमिटेड टू त्रिपुरा, नहीं. एंड द स्क्रिप्ट डिबेट एंड रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सीज के अंदर जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है, द रोमन स्क्रिप्ट हैज बीन एडवोकेटेड बाय सम एज प्रेफर्ड स्क्रिप्ट, राइट. एंड कॉन्ट्रोवर्सी क्यों आई है, इम्पोजिशन ऑफ हिंदी स्क्रिप्ट एंड द यूज ऑफ बंगाली स्क्रिप्ट, है ना, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स एग्जाम्स के लिए ये वाली हो रही, इसके लिए कॉन्ट्रोवर्सी हुई है. लेट्स राइट समथिंग अबाउट त्रिपुरा. Shares border with, by any chance किसी को पता हो ये त्रिपुरा का border किस किन दो इंडियन स्टेट्स का लगता है? मणिपुर, मिजोरम और मेघालय. हाँ, किन दो स्टेट्स के साथ लगता है? मेरे पास तीन आ गए, और बताओ. अरुणाचल, असम, सिक्किम, नागालैंड. लिख लीजिए, इट्स मिजोरम एंड असम. वो आपने वो उसका अगर मैप देखा होगा तो बंगाल के मैप के अंदर ना एक छोटा सा डेंट पड़ता है अंदर को, और एक स्टेट अंदर घुसी हुई है पूरी, दैट स्टेट इज त्रिपुरा. इंडियन स्टेट्स मिजोरम एंड असम और इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश. और बांग्लादेश के साथ में उसका 84% ऑफ टोटल बॉर्डर लगता है, लिख लो ब्रैकेट में, 84% ऑफ टोटल बॉर्डर. त्रिपुरा की बात हो रही है, मिजोरम एंड असम, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश, ब्रैकेट में 84%, 856 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है त्रिपुरा का. वैसे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वगैरह की इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे. ऑफिशियल लैंग्वेजेस बंगाली, इंग्लिश एंड कॉकबोरोक, ये जो लैंग्वेज है बंगाली, इंग्लिश एंड कॉकबोरोक. इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आपने सुन रखी होंगी. चकमा लैंग्वेज सुनी होगी आपने, है ना, वो भी यहाँ पे बोली जाती है. गारो लैंग्वेज भी बोली जाती है इधर. सो देयर आर मेनी अदर लैंग्वेजेस, नॉट लिमिटेड टू दिस. मोग लैंग्वेज, मणिपुरी भी बोली जाती है इधर, हिंदी एंड उड़िया एज वेल, राइट. तो यहाँ पे काफी मिक्स आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलती है. अगेन, अगर अपनी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट ना हो तो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है इधर उधर से. स्टेट एनिमल लिख लेते हैं इसका, फेयर्स लंगूर, PHAYRE, apostrophe S, लंगूर, PHAYRE, apostrophe S, लंगूर, LANGUR. स्टेट बर्ड है इसका ग्रीन इंपीरियल पिजन. ये यूपीएससी नहीं पूछेगा आपसे, अगर उसका दिमाग खराब हुआ तो शायद पूछ ले. ये पूछ सकते हैं आपसे, स्टेट वाले पूछ सकते हैं, राइट, पीसीएस और आपके यूपीएससी एचएएस के अंदर. ग्रीन इंपीरियल पिजन, मेजर रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको वो पूछ सकते हैं उधर. हाँ, जो बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर है इसके साथ में, राइट. बूढ़ीमा, BURIMA, BURIMA. गोमती, GOMATI. खोवाई, KHOWAI.
हावड़ा, HOWRAH, ढलाई, DHALAI, मैं सारी लिखवा देता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं है, पर इसमें ना कुछ कुछ कंफ्यूजिंग है, जैसे नेक्स्ट रिवर इज फेनी, FENI, तो गोवा मत माराना उसको, ठीक है, FENI, इट्स अ रिवर इन त्रिपुरा, बहुत अलग निकल जाओगे आप। देन वी हैव जूरी, JURI, लास्ट इज मनु, MANU, बाकी लेक्स एंड पॉन्ड्स यहाँ पे ज़्यादा मतलब बहुत सारे हैं, इसलिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट, कुछ खास नहीं है कहीं पे, तो इसलिए दिस इन्फॉर्मेशन इज मोर देन इनफ। लेट्स राइट अबाउट आर्ट, आर्ट एंड कल्चर, कौन कौन से डांस फॉर्म्स, आर्ट के ऊपर भी लिख लेते हैं। होजागिरी, HOZA GIRI, ब्रैकेट में लिख लो, डांस ऑफ रियंग ट्राइब, RENG, तो इसी बहाने आपको भी पता लग जाएगा रियंग ट्राइब किस तरफ है, डांस ऑफ रियंग ट्राइब। मानसा मंगल, MANASA, मानसा मंगल, MANGAL, ये कीर्तन होता है, ब्रैकेट में लिखना है, लिख लो मानसा मंगल। बच्चे रियंग, RENG, रियंग ट्राइब, मानसा मंगल। देन वी हैव गड़िया, GARIA, गड़िया डांस। धमेल, DHAMAIL, धमाल नहीं है, वो पंजाब का होता है, राइट, धमेल, ध्यान से पढ़ना, धमेल डांस। लास्ट वी हैव काबी गान, KABI, काबी गान, GAAN, गान। That is all about today's lecture. I hope कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके prelims और mains में कुछ relevance के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, you will definitely be having an edge over a major population of India who is preparing for the same examination right now. Let me tell you about the current affairs master course 2024. इस कोर्स के अंदर आपको basically तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं, दैट इज हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs, जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट, दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स, इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, वी हैव ड्रीम्ड इट, वी कैन डू इट, जिद से जीत तक।